दावर श्री बलवान पुनिया। सभापति महोदय, राजस्थान मर्द शरीर का सम्मान विधेयक 2023 सरकार लेकर के आई है। मैं समझता हूं कि आदिवासी क्षेत्र के लोगों ने अपनी अलग पीड़ा रखी है। सरकार ने यहां तक तो चिंता करी है कि मरे हुए आदमी का भी वजूद है, सम्मान है। लेकिन सभापति महोदय, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मामला आ जाता है, ऐसे गरीब लोग कुचले जाते हैं, ऐसे लोग मारे जाते हैं जिनकी आवाज़ उनके साथ तब तक खड़ी रहती है जब तक वो शरीर है। 2012 की घटना मुझे याद है। मेरी विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब का धंधा बड़े जोरों पर था। हरियाणा के शराब माफिया आए दिन हरकतें करते थे, दो लोगों को कुचल दिया। परिवार के लोग इकट्ठे हुए, कुटुंब के लोग इकट्ठे हुए, 11-12 बजे तक 2-5 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए। मुझे भी बुलाया गया, मैं गया। पुलिस ने मेरे पर राजकार्य के वादा का मुकदमा दर्ज करा। फिर आपने ये उपबंध करने की कहाँ जरूरत थी? अध्याय अपराध और दंड, कुटुंब के सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा विरोध के लिए दंड, और उसमें कम से कम 6 और अधिकतम 5 वर्ष। तो फिर राज 332-53 में क्या है? तुम्हारा शीशा भी नहीं टूटा तो 3 PDP फिर भी लगा दी, उसमें तो इससे ज़्यादा दंड है। फिर इसका करने का क्या मतलब है? ये बिल जिस उद्देश्य के साथ लाया गया वो उद्देश्य यहाँ तक सही है कि मरता आदमी का सम्मान हो, उसकी भी DNA जाँच हो। आज से 2 साल बाद कोई पूछेगा कि हमारा फला आदमी गुम था, उसकी DNA रिपोर्ट आ जाए, साहब ये आदमी तो आपका था, उसका अंतिम संस्कार सरकार कराए, यहाँ तक भी ठीक है। मेरी ये भी मांग रहेगी जहाँ अंतिम संस्कार हो गया वहाँ मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। आज आदमी एक्सीडेंट हुआ, कोटा ले गए भादरा, मृत्यु प्रमाण पत्र कोटा जारी करवाओ। सब लोग सक्षम नहीं होते, परिवार के परिवार तबाह हो जाते हैं एक्सीडेंटों में, कोई बचता ही नहीं। संवेदना तो उस समय तक खड़ी रहती है जब घटना हुई है, 5 दिन बाद 7 दिन बाद दुनिया अपने काम लग जाती है। जहाँ अंतिम संस्कार हुआ है वहाँ उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो, तब हम समझें कि मृत आदमी के सम्मान में सरकार ये बिल लेकर के आई है। लेकिन मेरा विरोध यहाँ तक आज भी कायम है कि ये जो आपने अध्याय 6 में कुटुंब के सदस्यों और कुटुंब के अलावा जो सदस्य है, सोसाइटी के लोग, चाहे उसमें राजनीतिक पार्टी के लोग भी हैं, इनके लिए जो आपने ये तावीज करने का काम करा, ये वापिस लेते हुए फिर विधेयक को पास करा जाए और मैं मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव इन दो बिंदुओं के ऐतराज के साथ वापिस लेता हूँ।